फिर लड़ते लड़ते वो वहाँ चले गए, उन्होंने वहाँ पर तीन चार कैद किए हैं। ब्लैक आउट वाला था, तलवारें भी चली हैं। एक विधानसभा चोणों के चलद पूरे पंजाब च चोण जाबता लागू है। सारे हथियार सरकार वालों जमा करवा ले गए हैं, पर इस दरमियान दुपहरे अमृतसर के रणजीत एवेन्यू च गोलियां चल गई, जिस विच एक नौजवान जख्मी हो गया। अमृतसर के बी ब्लॉक च बने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच मालक ते विद्यार्थियों च पैसों नूं लैके बहस हुई सी। अमृतसर के एवेन्यू दे विच गुंडागर्दी का नंगा नाच वेखण नूं मिलिया। सेंटर के बाहर ग्रुपां विच लड़ाई हो गई। पैसे दे लैन देन नूं लै के विवाद कारण झगड़े विच एक ग्रुप द्वारा फायरिंग करके एक नौजवान नूं भी गोली लग गई है। जख्मी नौजवान नूं निजी हस्पताल च भर्ती करवाया गया। लड़ाई की सारी घटना कैमरे विच कैद हो गई। इस मौके चश्मदीद गवाह सिमरनजीत ने की कहा, आओ सुनदे हां। मैं यहां से जा रहा था और 8-9 जने एकदम भीड़ मेरी गाड़ी के आगे आ गई और फिर लड़ते लड़ते वो वहाँ चले गए, उन्होंने वहाँ पर तीन चार फायर किए हैं। एक ब्लैक आउट वाला था, तलवारें भी चली हैं, एक शायद कह रहे हैं कि उसके लात में लगी गोली तो मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने हुई। कितनी गोलियां चली हैं? तीन चार चली हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस तो इलावा ASID सुखचैन अनुसार आराध्या सेंटर च दो ग्रुपां च झड़प हुई, वो मामले की जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया गया उस खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पता लगा वेस्ट वेस्टर्न की वैबसाइट पर आराध्या इंस्टीट्यूट है, उत्थे दो गुटों के लड़ाई हुई है। तफ्तीश चल रही है जी, तफ्तीश तो बाद दस देंगे कारण की होया जी। ये हाले कोई इस बारे क्लीयर नहीं है जी, मौके पर गए हैं। आराध्या इंस्टीट्यूट वाले गल हुई है, कह रहे तफ्तीश कर रहे हैं जी, हाले अभी तो उ गए ही नहीं। हमने अमृतसर तो बबलू महाजन की रिपोर्ट।